हेलो फ्रेंड्स, आई एम एलपी राकेश। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एलपी का वैकेंसी अब आएगा भी कि नहीं, इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और साथ में ये भी डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या आप पढ़ाई बंद कर देना चाहिए, अब जो एलपी का तैयारी कर रहे हैं एलपी और टेक्नीशियन का, उन लोगों को अब तैयारी बंद कर देना चाहिए बिल्कुल, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो एलपी और टेक्नीशियन का 2018 वैकेंसी आया था उसमें एलपी का तो वेटिंग लिस्ट लगभग सब बोर्ड में क्लियर हो चुका है। और अभी जो रिसेंटली मतलब जो ऑफिशियल अपडेट आया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा कि इसमें आपका टेक्नीशियन को जल्दी से जल्दी जो वेटिंग में है उन लोगों का क्लियर कराने के लिए बोला गया है, तो इससे पता चलता है कि एलपी का जो मतलब वेटिंग है वो तो क्लियर हो चुका है और टेक्नीशियन को भी जल्दी से कराया जा रहा है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जल्दी से जल्दी ये 6 महीना जो टाइम मांगा गया है इसमें आपका उससे पहले ही सारा रिटायरमेंट जो भी मतलब सपोज़ कि अभी आपका बहुत सारे हम लोगों के बोर्ड में या अदर बोर्ड में सारे हर ईयर कोई ना कोई रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि वैकेंसी या बहुत सारी खाली हो रही है। तो इसमें क्या होगा, समझिए कि 4 साल से वैकेंसी एलपी का नहीं आया है, तो 4 ईयर से हर साल कहीं ना कहीं सीट खाली हो रहे हैं। तो सारे सीट का अभी मतलब सारे डिटेल हर आरआरबी बोर्ड मतलब अपना वैकेंट सीट के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रेलवे बोर्ड को भेजेगा और इस रिगार्डिंग ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जल्दी से टेक्नीशियन को वेटिंग क्लियर करने के लिए बोला गया है। तो इससे देखिए एक ये बात पता चल रहा है कि एलपी का जो वैकेंसी है वो आपका मतलब 6 मंथ के अंदर कभी भी आ सकता है, क्योंकि इसमें ये बोला गया है कि टेक्नीशियन को जल्दी से जल्दी कहाँ कहाँ वैकेंट सीट है वो उसके बारे में भी बताएं और जो वेटिंग लिस्ट है उसको भी क्लियर करें। तो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपका 6 महीने के अंदर सारा डिटेल आरआरबी बोर्ड को भेज दिया जाएगा और उसके बाद जो एएलपी और टेक्नीशियन दोनों का वैकेंसी का कहाँ कहाँ खाली है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन 6 मंथ के अंडर में आपको देखने को मिल सकता है। और बाद बाकी जो ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो आप ये मत सोचे कि एएलपी का वैकेंसी आने वाला नहीं है और ऐसा मत सोचे कि वैकेंसी अब आएगा ही नहीं 1 साल 2 साल, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि 4 ईयर्स हो चुका है तो वैकेंसी आने का पूरा चांस। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत वैकेंसी आने वाला नहीं है, बहुत सारे लोग बोल रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना प्रिपरेशन पूरा जारी रखिए क्योंकि इन 6 मंथ के पहले भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है या 6 मंथ तक आ सकता है। तो आप एक पॉजिटिव मतलब अपने माइंड में रखिए क्योंकि नेगेटिव आपके ऊपर जल्दी हावी हो जाएगा अभी और आप सोचें कि वैकेंसी आने वाला नहीं है, तो ये सब मत सोचिए सारा कुछ और अपना प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए क्योंकि आपको 4 स्टेज में एग्ज़ाम देना है, CBT 1, CBT 2 और साइको एग्ज़ाम भी देना है जिन भाइयों को एलपी बनना है, और जो टेक्नीशियन बनना चाहते हैं उनको CBT 2 तक तो देना ही है। तो आप ये मत सोचिए और अपना प्रिपरेशन को मतलब अच्छा से तैयारी करिए और जो भी 6 मंथ अगर आपको टाइम मिल जा रहा है तो आप उसमें पूरा 100% एफर्ट लगा दीजिए। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे हैं कि पढ़ाई तैयारी करने बंद कर दे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ये सोचे कि एलपी का वैकेंसी जब आ जाएगा और अगर आपको आपका प्रिपरेशन अगर अभी से नहीं रहेगा तो आप एग्ज़ाम तो निकाल नहीं पाएंगे और आपका पहले ही स्टेज में आप बाहर हो जाएंगे, तो आप समझिए कि फिर आपका एज अगर जैसे आपका एज अगर 27 साल है तो आप ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, नेक्स्ट एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे नेक्स्ट टाइम जो वैकेंसी आएगी। तो आप ये सोचिए कि इस वाले वैकेंसी में आपको अपना एक रिजल्ट निकालना है और फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो आप अभी से तैयारी करिए। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि देखिए अभी बहुत सारा प्रोडक्शन बढ़ा है इलेक्ट्रिक लोको और बहुत सारे, तो इसमें लोको का प्रोडक्शन बढ़ रहा है यानी कि उसमें क्रू भी चाहिए, तो क्रू चाहिए तो उसके लिए वैकेंसी तो जल्दी जल्दी प्रमोशन देना होगा हम लोग से जो सीनियर है उन लोगों को, तो उससे क्या होगा नीचे वाला भी वैकेंसी खाली होगा तो इसमें तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। तो इससे रनिंग स्टाफ ऐसा कैटेगरी है जिसमें आपका बहुत सारे स्टाफ का ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे लोको गुड्स ट्रेन पैसेंजर ट्रेन नए नए निकल रहे हैं, तो उन लोगों को क्रू का ज़रूरत है उन लोगों को चलाने के लिए। तो ये सोचिए कि आपका रनिंग स्टाफ जो कैटेगरी है इसमें बहुत सारा वैकेंसी आते रहेगा और इन 6 मंथ जो आपको एक ऑफिशियल नोटिस देखने को मिला है तो 6 मंथ के पहले भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। और सपोज़ कि अगर कोई इनिशियल लेवल से तैयारी अभी भी स्टार्ट कर देंगे तो 6 मंथ उन लोगों के लिए सफिशेंट है क्योंकि अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, डेली पढ़ेंगे वही टॉपिक मैथ साइंस रीजनिंग ये सब सारा कुछ रिपीट होगा आपका डेली, तो आपको इसमें एक फ़ायदा होगा कि आपका सारा क्वेश्चन क्या होगा रिपीट होने लगेगा
और जब रिपीट होने लगता है क्वेश्चन तो आपको एक मतलब आप वो क्वेश्चन को ना 10 सेकंड में बना देंगे, तो आपको ये फ़ायदा होगा। तो आप ये मत सोचिए कि पढ़ाई करना छोड़ दे, अब वैकेंसी आने वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना अगर एम आप इसको रखे LPO टेक्नीशियन में ज्वाइनिंग लेने का, तो आप 100% अभी से फोकस कर लीजिए और अपना तैयारी को पूरा बूस्ट करिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो यूट्यूब चैनल है बहुत सारे, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। मैंने भी वैसे ही किया था, मेरे तो जब मैं तैयारी कर रहा था 2017 में दिसंबर तक, मुझे भी लग रहा था कि वैकेंसी नहीं आएगा और मैं पूरा होप छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी मैं तैयारी करते रहता था ये 2014 वाला जो वैकेंसी का सिलेबस को फॉलो करके। लेकिन वो सिलेबस पूरा टोटली चेंज कर दिया गया था हम लोगों के समय 2018 में जो वैकेंसी आया था, और उसमें बहुत प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक नहीं थे हम लोगों के पास। फिर भी हम लोग मतलब मैं क्या करता था कि आपका सेट डेली प्रैक्टिस करता था, और उसमें जो भी क्वेश्चन मेरे नहीं बनते थे मैं उसे एक कॉपी में लिख करके उसका सारा सॉल्यूशन यूट्यूब से देख लेता था, खोजता था, और टेस्ट बुक का मैं टेस्ट सीरीज लगाता था। तो मैं कोशिश ज़्यादा करता था कि टेस्ट सीरीज मतलब लगाते रहूँ, डेली प्रैक्टिस करूँ, ताकि नए नए क्वेश्चन जो आएंगे उससे मेरा मतलब क्या होगा कि नए नए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस होंगे तो आपका माइंड में वो स्ट्राइक करेगा कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, अब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तो उससे रिलेटेड भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे तैयारी करिए आप लोग, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी हो रहा है जैसे आपको कोई वीक पोर्शन है मैथ का, तो मैथ को आप ज़्यादा ध्यान दीजिए और अभी रीजनिंग को थोड़ा कम ध्यान दीजिए। ऐसे आपका अगर साइंस वीक है तो साइंस को ज़्यादा ध्यान दीजिए, अभी टाइम है। तो आप ऐसे हर सब्जेक्ट को फोकस करिए और उसकी तैयारी करिए, और ये मत सोचिए कि वैकेंसी नहीं आएगा और पढ़ाई वढ़ाई करना छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं है। आप तैयारी करते रहिए फ्रेंड्स, मोटिवेट रहिए और पूरा 100% एफर्ट लगाइए, क्योंकि अगर आप अभी तैयारी करेंगे 6 महीने तो आपका लाइफ टाइम आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ज्वाइनिंग ले लेंगे एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई और रेलवे में सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आपका एक अलग रेस्पेक्ट बनेगा सोसाइटी में। तो आप ये सोचिए, और आप अनएम्प्लॉयमेंट तो उससे आप बाहर निकल ही जाएंगे। तो आप अपना हमेशा मोटिवेट रहिए, और कुछ भी डाउट होता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपका आंसर दूंगा। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के मैं ALP के रिगार्डिंग ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अभी स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 27% ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, जबकि वीडियो बहुत लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मिलेगा। और मैं सोचूंगा कि आपके पास जो मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ पहुँच रहा है, तो सपोर्ट करिए। और जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। जय हिंद, जय भारत।